नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मेंटल डिजीज के ऊपर जो मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, एंजाइटी एंड ओसीडी। इस टाइप की कुछ बीमारियां होती हैं, इसमें हमें बड़ी परेशानी होती है और ओवरथिंकिंग जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, तो इनके बारे में ही कुछ कुछ बात करेंगे हम आज। एक बीमारी का कोई टॉपिक उठा के बात करेंगे। मैं हूं मनीष शर्मा, सेकंड साइट फाउंडेशन से। तो आज हम एक बीमारी को जैसे ले लेते हैं, ओवरथिंकिंग। किसी किसी को कुछ विचार आते हैं और वो अपने मन से ही उन विचारों को बना लेता कि ये नेगेटिव विचार है, ये गलत विचार है, और उससे उसका दिमाग टेंशन में जाता है, जिसकी वजह से उसको धीरे धीरे ओसीडी जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कि जैसे ओसीडी हो गया हो। तो ओसीडी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि किसी चीज़ का थॉट का बार बार आना या किसी काम को बार बार करना, ये ओसीडी के लक्षण होते हैं। जैसे कि आप बार बार हाथ धोने चले जाते हो या बार बार आपकी मतलब तृप्ति नहीं हो पाती, उसको ओसीडी बोला जाता है। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा मैं। ओसीडी को ठीक करने के लिए जो भी पेशेंट है उससे आंखें बंद कराएं। आंखें बंद कराने के बाद उसको रिलैक्स कराएं। कोई म्यूजिक चला सकते हैं, माहौल थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, एसी हो या म्यूजिक चला लीजिए, थोड़ा सा स्मेल हो। साथ में उसको बोलिए डीप ब्रीथ करे 15 मिनट के लिए। जब वो मेडिटेशन में जाएगा, जब थोड़ा डीप में चला जाएगा, जब ट्रांस में जाने लगेगा, तो आपको वही जहाँ से उसका ओसीडी स्टार्ट हुआ था, पहले पूछिए आपको प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, तो वो कुछ ना कुछ अपना एक टाइम बताएगा कि इस जगह से मुझे ये स्टार्ट हुई थी ओसीडी। तो वहाँ पे आप उसको लेके जाइए, उसको बोलिए कि आप वो चीज़ें सारी याद करो और उनको आप बार बार थोड़ा सा, जैसे कि आदमी अपनी इमेजिनेशन में याद करता है तो उसको पूरी चीज़ फील होती है। तो उसकी फीलिंग को कम कराने के लिए फर्स्ट जो टेक्निक्स है ये है कि आप उसको बोलिए कि वो पूरी घटना वो वाली ब्लैक एंड वाइट में देखें, जिससे कलर ना आए, ब्लैक एंड वाइट में वो घटना देखें। उसके बाद बोलिए कि वो साउंडलेस करके, मतलब म्यूट करके वो घटना देखें, उसको दिखाई तो दे ब्लैक एंड वाइट लेकिन आवाज़ ना आए। उसके बाद बोलिए कि उसके स्क्रीन शॉट लेके और उसको मिटा दे, वहाँ से ख़त्म कर दे। ऐसा आप अगर दिन में दो बार करते हैं तो 15 दिन में ओसीडी की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने लगती हैं। साथ में रही आपकी, जैसे आपको कोई गलत विचार आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्रिगर सेट करें। जब भी आपका बहुत ही पॉजिटिव माइंड हो, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हों उस समय, या आपके साथ कुछ पॉजिटिव हुआ हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिगर सेट कर लो। जैसे कोई उंगली पकड़ ली या नाक पकड़ ली या कान पकड़ लिया, ये ट्रिगर सेट कर लीजिए और उस समय 3 बार बोलिए उसको पकड़ के, आई एम पॉजिटिव। उस हैप्पी मोमेंट में जब आप वो ट्रिगर सेट कर लेंगे, तो जब आपका नेगेटिव विचार होगा या कोई परेशानी होगी, जब आपका नेगेटिव विचार होगा या आप परेशान हो रहोगे या डिप्रेशन में होगे, तो आप वही पॉइंट दबा के, कान नाक या उंगली कुछ भी दबा के 3 बार बोलेंगे आई एम पॉजिटिव, तो आपके दिमाग से नेगेटिव विचार खत्म हो जाएंगे। ऐसी ही टेक्निक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा आने वाले वीडियोस में फियर, फोबिया, एंजाइटी जैसी बीमारियों के बारे में। माइंड से रिलेटेड सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे और जितनी जो वर्कशॉप में रियल टेक्निक्स होती हैं, वही टेक्निक्स आपको मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।